दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों छक्का छक्का छक्का, संजू के विध्वंस से थर थर कांपा है वेस्टइंडीज। गेंदबाजों को उड़ाए हैं इस कदर पर खच्चे, पूरी दुनिया कर रही है इस खिलाड़ी को सलाम। तो आखिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी के पद चिन्हों पर चलते हुए संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने कितने छक्के बरसाए, किसने विकेट इंडीज खेमे में तहलका मचा दिया, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू और किशन में कौन धोनी की बराबरी करने के काबिल है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अंतिम और निर्णायक मुकाबले में जब टीम इंडिया के सिर पर करारी हार की तलवार लटक रही थी, तब भारतीय लड़ाकों ने वापसी करते हुए अपने बल्ले से ऐसा विध्वंस मचाया जिसमें केवल वेस्टइंडीज नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। जहां किशन और गिल ने 143 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई, तो फिर वेस्टइंडीज ने भी वापसी करते हुए पहले किशन और फिर ऋतुराज को बहुत जल्द पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भूखे शेर की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे संजू सैमसन उनके गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से मैदान में उतर चुके हैं। जब संजू बैटिंग पर आए थे तब वेस्टइंडीज भारत पर हावी लग रही थी, लेकिन उन्होंने मैदान में आते ही चुटकियों में पूरा समीकरण पलट कर रख दिया। केरिया की गेंद पर दो कदम आगे निकल कर उसे 90 मीटर दूर छक्के के लिए मारकर अपना खाता खोला। तो फिर अगली गेंद पर रहम करने के बाद महज अपनी चौथी ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से पिछली गेंद का रिपीट टेलीकास्ट दिखाते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा खौफनाक छक्का जड़ा जिस पल तो गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। लगातार दो गेंदों पर उनके दो खौफनाक छक्कों ने मुकाबले की दिशा पलट कर रख दी। तो वहीं गेंदबाजे के छक्कों पर संजू का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पल्ले की शांति थी, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का छोटा सा नमूना। आखिर क्यों उन्हें महेंद्र सिंह धोनी का दूसरा रूप माना जाता है? उन्होंने इसका अद्भुत नमूना पेश किया तो वह बिल्कुल धोनी के अंदाज में गेंदबाजों को धुनाई किए जा रहे थे। एल्जारी जोसेफ से लेकर वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों खासतौर पर कैरियर का तो उन्होंने करियर तबाह करने की ठान ली। उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पाई। कैरियर को निशाना बनाते हुए इस बल्लेबाज ने एक और गगनचुंबी छक्का ठोक कर अपने अर्धशतक के आंकड़े को लगभग छू ही लिया। लंबे समय बाद उन्हें तूफानी बल्लेबाजी करते हुए देख करके पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था और कोई उनके नाम के नारे लगा रहा था। और देखते ही देखते इस बल्लेबाज ने आखिरकार रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर दो रन दौड़कर केवल 39 गेंदों में महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। अपने इस विध्वंसक पारी को उन्होंने चार खौफनाक छक्कों और दो बेहतरीन चौकों से सजाया था। हालांकि इसके तुरंत बाद वह आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, संजू और किशन में कौन है महेंद्र सिंह धोनी का असली उत्तराधिकारी है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।